नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में एसबीआई का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस मौके पर वहां साउथ बिहार के महाप्रबंधक मनोज कुमार गुप्ता और उप महाप्रबंधक सत्य प्रकाश भी मौजूद थे और साथ साथ कैट बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अशोक वर्मा वहां मौजूद थे, जिन्होंने कई तरीके की बातें कहीं। उन्होंने एसबीआई की विश्वसनीयता के बारे में कही कि एसबीआई की विश्वसनीयता की वजह से ही आज 66वां स्थापना दिवस एसबीआई का मनाया जा रहा है और उन्होंने कर्मचारियों को भी बधाई दी। साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से एसबीआई में बदलाव किए जा रहे हैं, कई सुविधाएं ग्राहकों के लिए बढ़ाई जा रही हैं, इस पर भी बात कहा कि अब बैंक के साथ साथ एसबीआई डिजिटल मीडियम पे भी अपने बैंकिंग कामों को करता है, यानी कि नेट बैंकिंग के तरीके से भी वो एसबीआई का काम चल रहा है। और उन्होंने एक मुहिम को भी इसमें प्रमोट किया है, वो मुहिम है ऑक्सी भारत का। ऑक्सी भारत का मुहिम भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, पौधों का रोपण किया जा रहा है, यानी कि पौधे लगाए जा रहे हैं जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से लोगों की मौत ऑक्सीजन की वजह से हुई, इसे लेकर के अब सरकार सतर्क हो गई है और ऑक्सी भारत के माध्यम से पौधारोपण किया जा रहा है। इस मौके पर महाप्रबंधक मनोज कुमार गुप्ता, उप महाप्रबंधक सत्य प्रकाश और कैट बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अशोक वर्मा का क्या कुछ कहना है, छोड़े जाते हैं आपको उनके पूरे बयान के साथ। हमारे साथ हैं जीएम सर, उनसे हम जानते हैं कि जो स्थापना दिवस है क्या क्या उपलब्धियां हासिल की अब तक और क्या आगे की योजना है, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहले तो न्यूज पीआर में सर आपका स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्थापना दिवस है, इसको लेकर आप किसे बधाई देना चाहेंगे? सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की ओर से मैं 66वें स्थापना दिवस पर अपनी सभी कस्टमर्स का, अपने सभी ग्राहकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मनोज गुप्ता, यहां पर मैंने महाप्रबंधक साउथ बिहार के तौर पर पिछले महीने यहां पर कार्यभार ग्रहण किया है। आज इस स्थापना दिवस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी भारत में इतना विस्तृत नेटवर्क है और हमारा सबसे बड़ा स्टाफ स्ट्रेंथ है और भारत का सबसे बड़ा बैंक होने के नाते हम ये कहना चाहते हैं, इस अवसर पर हमने संकल्प लिया है कि हम अपने कस्टमर्स की सेवा और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारे चेयरमैन से लेकर ब्रांच में जो भी स्टाफ उपलब्ध हैं वो सभी समर्पित हैं कस्टमर्स को सर्वोत्तम ग्राहक सेवा देने के लिए। हम हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं कि हम अपनी सेवाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरह से डिजिटल मोड पर उनको ट्रांसफॉर्म करें और उनको वो सुविधा दें जो वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हम ये गर्व के साथ ये कहना चाहते हैं कि बिहार में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारा सारा स्टाफ जो पूरे बिहार की शाखाओं में बिखरा हुआ है वो यहाँ के कस्टमर्स को सर्वोत्तम सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है। पुनः इस अवसर पर मैं अपने सभी कस्टमर्स को धन्यवाद देता हूँ। अभी अभी हमने यहाँ एक वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है और मैं फिर से सभी साथियों को, अपने सभी साथियों की ओर से कस्टमर्स को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े रहने के लिए। कोरोना काल में जो स्टेट बैंक का काम होना चाहिए था क्या इसमें कोई प्रभावित कुछ हुई है क्या? जो कोरोना काल एक ऐसा पेंडेमिक का एक ऐसा दौर था जहाँ पर सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ भी मंद पड़ी हैं और कस्टमर्स का आवागमन भी बाधित हुआ है, लेकिन पुनः हम अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब सुविधाएँ सामान्य हो जाएंगी हम और बेहतर तरीके से अपने ग्राहकों की सेवा कर सकेंगे। बिहार सरकार के द्वारा जो योजना बनाई गई है कि सभी को लघु कुटीर उद्योग के लिए 10-10 लाख रुपये देने का योजना है, तो इसमें स्टेट बैंक का क्या योगदान होगा? स्टेट बैंक हमेशा से ग्राहकों के लिए और विशेषकर लघु और मध्यम स्तर के उद्यमियों के लिए समर्पित रहा है। हमारा इतना नेटवर्क है और अभी मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बिहार में एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी एक बिहार सरकार की अप्रूव की गई है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स लगने वाले हैं जहाँ पर एथेनॉल का उत्पादन होगा। ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और स्टेट बैंक इसमें पूरी तरह से समर्पित है, जुड़ा हुआ है और हमें प्रपोजल्स मिलने प्राप्त हुए हैं, हम इसमें आगे कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। देखिए, आज हमारा यहाँ उपस्थित होने का जो कार्यक्रम है, आज बिहार चैप्टर के जो CAIT हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन, उनके अध्यक्ष और प्रेसिडेंट ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आपके बैंक के स्थापना दिवस पर हम आपके प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना चाहते हैं। उनका एक कार्यक्रम चलता है ऑक्सी भारत, तो उस ऑक्सी भारत के तहत इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया, फिर हमने अपने महाप्रबंधक महोदय से रिक्वेस्ट किया और यह कार्यक्रम में आज आप लोग हमें देख रहे हैं। जहां तक हमारे स्थापना दिवस पे प्रतिबद्धता का सवाल है, मैं एक उप महाप्रबंधक SME सेक्टर का बिहार और झारखंड को देखता हूं
और एमएसएमई सेक्टर में विकास की असीम संभावनाएं हैं जो मैं आपसे कह सकता हूं। पिछले 3 से 4 महीनों में हमारे माननीय उद्योग मंत्री महोदय ने जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लाया है, करीब 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बिहार के लिए लाया है, उसमें आप एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट, उसमें आप फूड पार्क, माइक्रो फूड पार्क, लेदर प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरह के तमाम यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा और उस यूनिट में एसबीआई के साथ प्रेफर्ड बैंकर की उपाधि बिहार सरकार ने दी है, तो हम लोग बढ़ चढ़कर इसमें अपना इन्वेस्टमेंट की ओर अग्रसित है। तो मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि आज की तारीख में जो बिहार के हमारे भारतीय स्टेट बैंक के जो मुखिया हैं, मुख्य महाप्रबंधक महोदय श्री सुरेंद्र राणा जी, वह एसबीआई के टॉप लेवल में नीति निर्धारण, एमएसएमई के नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाए हैं, तो उनके अध्यक्षता में मैं यह देखता हूं कि बिहार अभी बहुत आगे जाएगा और उनके साथ जो महाप्रबंधक महोदय 3 जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन चारों के जो सीएमसी सदस्य हैं, उनके साथ हम बैंक को और यहाँ के सूक्ष्म, मध्यम और लघु इकाई को बहुत आगे तक ले जाएंगे, ये हमारा विश्वास है और हम यह कर दिखाएंगे। हमारे साथ हैं अशोक वर्मा जी, इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले तो आज स्टेट बैंक का 66वां स्थापना दिवस है, उस पर स्टेट बैंक के सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और जैसा कि आपने देखा कि अभी जो हम लोगों का कैट का वृक्षारोपण का ऑक्सी भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसी के तहत आज हम लोगों ने स्टेट बैंक के महाप्रबंधक महोदय श्री मनोज गुप्ता साहब और उप महाप्रबंधक महोदय एसएमई के श्री सत्य प्रकाश जी के साथ में मिलकर के और अपने कैट के चेयरमैन, महासचिव, संयुक्त सचिव और प्रमंडलीय अध्यक्ष मुकेश नंदन जी वगैरह सभी लोगों के साथ में हम लोगों ने बैंक के परिसर के अंदर में वृक्षारोपण लगाने का काम किया है और निश्चित तौर पर ये वृक्ष लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करेगा और आने वाले समय में ये एक अच्छा सिद्ध होगा कि हम लोगों ने इस कोविड के समय में भी लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करने के लिए हम लोगों ने जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, इसी के लिए हम लोग सारे के सारे लोग आज इकट्ठे हुए हैं और सभी लोगों को एक बार फिर से इस बैंक के सारे कर्मचारी जो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं हम लोगों के बिज़नेस को लेकर के या हम सारे चीज़ों को लेकर के, इस पर हमारे GM साहब से बात भी हुई है कि साहब इस पैंडोनिक समय के समय में जो व्यापारियों का सिविल के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इस पर भी हम लोग कैसे इस पर ध्यान दिया जाए ताकि जो व्यापारी बिना किसी पनिशमेंट के सिविल स्कोर उनका ख़राब होने की वजह से आगे भविष्य में उनका क्रेडिट स्कोर बहुत ख़राब हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे बैंक भी इस पर पहल कर रही है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में और कैट के माध्यम से भी हम लोग इस पर प्रयास करेंगे, चिट्ठी एक पत्र लिखेंगे अपने राष्ट्रीय कमेटी को ताकि उनके माध्यम से ये पत्र हमारे माननीय सीतारमन जी को जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उन तक पहुँचे और सिविल स्कोर हम लोगों का, व्यापारियों का भी ठीक हो सके।